बच्चों, आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे। कुछ बच्चे सभी के दिलों में अपनी एक खास जगह बना लेते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है कि टीचर कुछ बच्चों को ही ज़्यादा प्यार करती हैं, सब कामों के लिए उन्हें ही आगे रखती हैं और कुछ बच्चों की तरफ ध्यान नहीं जाता। पर अगर ऐसा होता भी है तो क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे अपने कामों से एक ऐसी छवि बना लेते हैं, सबकी नज़रों में ऐसी जगह बना लेते हैं जिसकी वजह से उन पर विश्वास हो जाता है कि कोई भी काम उन्हें दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। हर टीचर चाहता है कि सभी बच्चों को जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो काम करते करते सीखें, पर जो बच्चा मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करता है फिर वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कहानी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि अपना स्थान हम स्वयं किस तरह से बना सकते हैं। स्थान स्वयं बनाएं, ये बात क्यों कही जा रही है और किस तरह से समझाई जा रही है, चलिए देखते हैं। इस कहानी को पढ़कर मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है, आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर इतना ध्यान रखें कि ये आदमी अच्छा हो। बादशाह मतलब राजा, उन्होंने अपने मंत्री से क्या कहा कि मुझे एक निजी सहायक, निजी मतलब मेरा अपना पर्सनल, सहायक मतलब जो सहायता करे, जो मेरे अपने कामों में, मेरे निजी कामों में मेरी सहायता करे, मुझे एक ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत है। तो अगर आपकी दृष्टि में, आपकी नज़र में कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसे ढूंढ कर लाइएगा। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। तो राजा ने किसे कहा था एक निजी सहायक ढूंढने के लिए? मंत्री को कहा था। तो मंत्री बड़े दिन तक जांच पड़ताल मतलब खोज करता रहा कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसे वो राजा के पास निजी सहायक के रूप में ले जा सके। तो बड़ी देखने के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी, मतलब वो व्यक्ति पहले से कहीं नौकरी करता था। मंत्री ने उसे कहा कि उसकी उन्नति होगी जब वो राजा के पास यदि निजी सहायक बनकर रहेगा तो उसकी उन्नति होगी, ऐसा उसने आश्वासन दिया मतलब विश्वास दिलाया और बादशाह के सामने उसे पेश कर दिया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई, बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी पर अब तो कोई बात नहीं है। यानी कि राजा को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने मंत्री जी को कहा था कि उन्हें निजी सहायक चाहिए, तो अब उन्होंने बोला अभी तो मुझे ऐसे कोई सहायक की ज़रूरत ही नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। तो मंत्री को तो इस बात से दुख हुआ, उसे लगा कि इस व्यक्ति की मैंने नौकरी भी छुड़वा दी और इतनी मेहनत करी इसे ढूंढने में और बादशाह तो कह रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं है। फिर बादशाह ने ज़रा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं, वेतन 15 रुपये मिलेगा। तो जब मंत्री जी ने बहुत कहा तो बादशाह ने कहा कि वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है पर हम इसे अपने निजी कार्यालय में चपरासी के रूप में रख लेंगे और वेतन कितना मिलेगा? केवल 15 रुपये। तो ये तो ठीक बात नहीं थी, वो व्यक्ति इतना योग्य था, एक अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर आया था, उसे बादशाह केवल चपरासी रखना चाह रहे थे। तो मंत्री को बुरा लगा पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। तो वो व्यक्ति थोड़ा समझदार लग रहा है कि उसने दुख नहीं किया इस बात का कि उसने नौकरी भी छोड़ी और यहाँ उसे चपरासी रखा जा रहा है, बल्कि उस
उसने इस बात को भी एक अच्छे अवसर की तरह लिया, उसे बादशाह की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो इसने खुशी खुशी इस बात को, इस चपरासी के पद को भी स्वीकार कर लिया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। वो व्यक्ति तो सचमुच बहुत अच्छा था। वो उस कार्यालय को देखकर भी दुखी नहीं हुआ जहां धूल चढ़ी हुई थी, चारों तरफ गंदगी थी। क्यों था ऐसा? क्योंकि महाराज जो थे वो कभी वहां आते ही नहीं थे, वहां पर कोई काम ही नहीं करता था। तो मंत्री जी को तो बड़ा दुख हुआ कि वो उससे यहाँ ऐसे में लेकर आए, पर वो व्यक्ति वो तब भी खुश था, वो मुस्कुरा रहा था। और उसने यहाँ तक कि मंत्री जी को धन्यवाद भी दिया, कृतज्ञता यानी धन्यवाद कहा कि वो उसे ऐसी जगह पर बादशाह की सेवा करने के लिए लेकर आए हैं। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दिया। वो जो युवक था, जवान लड़का था, वो व्यक्ति जिसको मंत्री लेकर आया था, उसने क्या किया कि उस कार्यालय की पहले तो साफ सफाई की कई दिन तक। जहाँ धूल थी, मिट गंदगी थी, पहले उस जगह को साफ किया और एक उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। यानी शाही मतलब जो बादशाह से संबंधित था, बादशाह का कार्यालय था तो वो शाही हो दिखना चाहिए था, पर वहां पर तो धूल थी। तो सबसे पहले उसने उसको अच्छे से चमका दिया, साफ करके उसे शाही बना दिया, बढ़िया बना दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी, कोठरी मतलब अंदर एक और कमरा था। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। कोठरी होती है जैसे कुछ घरों में गोडाउन्स होते हैं, जहाँ पर छोटा सा कमरा होता है वो, जहाँ पर अंधेरा सा होता है, वो अधिकतर वो बंद रहता है कमरा, तो लोगों को पता भी नहीं होता कि उसमें क्या क्या पड़ा है। जो जरूरत की चीजें नहीं होती वो कोठरी में रख दी जाती हैं। तो जब उस युवक ने उस कोठरी को खुलवाया और वहाँ की साफ सफाई करवाई तो वहाँ क्या मिला कि बहुत से पत्र आते होंगे राजा के पास, तो उनके जो लिफाफे थे उनका ढेर वहां पड़ा हुआ मिला। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची कारी थी और रत्न जड़े थे। पहले राजा महाराजाओं के समय में सोने और चांदी का इस्तेमाल बहुत होता था। खाने के लिए जो बर्तन होते थे वो सोने चांदी के होते थे। तो यहाँ तक कि उन लिफाफों पर जो लिखा हुआ था, जो सजावट हुई थी, वो भी सोने की थी। तो और रत्न भी जड़े हुए थे, कीमती पत्थर भी उन लिफाफों पर लगे हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। अब भी आप कभी देखेंगे कि शादी के जो कार्ड्स आते हैं हमारे घरों में, वो कितने सुंदर सुंदर उन पर डिजाइन्स होते हैं, कितने सुंदर तरीके से कुछ लिखा होता है। तो राजा महाराजाओं के समय में ऐसे जो शुभ अवसरों पर जो पत्र आते थे उन पर सोने या चांदी से या तो डिजाइन बना होता था, या कलाकृतियां बनी होती थी, या कुछ लिखा होता था। तो अब उनकी तो फिर कीमत ज्यादा होगी ना, क्योंकि सोने से लिखा हुआ है, सोने की कलाकारी की हुई है। तो उस युवक ने जब ये देखा तो उसने क्या किया, युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। इस बात से क्या लग रहा है कि वो युवक समझदार था, मेहनती था और ईमानदार था। जो कुछ पैसे मिले उस सोने की पच्ची कारी को बेचकर, उसने उसको अपने पास नहीं रखा, बल्कि उस सरकारी कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा, उसको सुंदर बनाने में पैसे खर्च किए और जो पैसे बच गए उसको सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि कहीं
कोई किसी ने बेईमानी की है, तो उसने अपना सारा काम बड़ी ईमानदारी से किया। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो वो कार्यालय जो कभी धूल से सना हुआ था, गंदगी थी वहां पर, वो अब शाही कार्यालय बन चुका था। तो लोगों ने बादशाह को क्या कहा, क्या चुगलखोर मतलब जो एक की बात दूसरे को गलत तरीके से बताते हैं, चुगली करते हैं। तो उन्होंने बादशाह के कान भर दिए, शिकायत लगाई कि वो खजाना लुटा रहा है, आपके पैसे बर्बाद कर रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां गए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की है? किसने बोला? बादशाह ने। किसको? उस युवक को। क्या बोला? कि तुमने ये सजावट, ये शाही कार्यालय जो बना दिया है, ये सब किसके खर्चे से किया है, किससे पूछकर किया है? तो उसने क्या जवाब दिया? यही के रुपयों से हुजूर। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। तो उसने बादशाह जी को सब कुछ सच सच बता दिया। जो ईमानदारी से काम करता है ना बच्चों, उसे कभी डरना नहीं पड़ता। उसने सारा काम बड़ी ईमानदारी से किया था और उसने बादशाह को सब सच सच बता दिया कि कहाँ से पैसे आए, बाकी बचे हुए पैसे कहाँ हैं। तो बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। वित्त मंत्री होता है जिसके पास सारा हिसाब किताब होता है, पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कैसे खर्च होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पद होता है। तो उस युवक को जब ये वित्त मंत्री का पद दिया गया तो सारे बाकी के मंत्री दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो बड़ा ईमानदार था वो युवक, ना वो खुद बेईमानी करेगा ना किसी को करने देगा। तो जिन लोगों को पहले बेईमानी करने की आदत थी, अब वो नहीं कर पाएंगे, तो वो परेशान हो गए। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों में गिर जाए। तो जो लोग खुद गलत काम करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ईमानदार व्यक्ति वहाँ आए ही नहीं, ताकि उन्हें बेईमानी करने का मौका मिलता रहे। तो वो किसी न किसी बहाने बाकी मंत्री क्या करते थे, बादशाह के पास जाकर उस युवक की कुछ न कुछ शिकायत लगाते रहते थे, ताकि बादशाह उसे उस मंत्री पद से, वित्त मंत्री के पद से हटा दें। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाए जाएं। बड़ी अजीब सी बात बोली बादशाह ने सेनापति को बुलाकर। तो ऐसा क्यों कहा होगा, अभी आगे देखते हैं। समझ लो हमारे हुक्म को, अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और अगर कोई कालीन पर बैठा हो, चौपड़ खेल रहा हो, तो उसे कालीन समेत लाया जाए। बढ़िया, बड़ा ही अजीब सा उन्होंने हुक्म दिया, पता नहीं क्या चाहते थे वो। तो खैर, जब बादशाह इतने गुस्से से ये आदेश दे रहे थे तो सेनापति ने तो उनके हुक्म का पालन करना था। तो कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए, लज्जित मतलब शर्म आई सब मंत्रियों को। कुल 8 मंत्री थे, उनमें से 7 मंत्री नशे में थे, यानी कि गलत काम कर रहे थे, और 8वां यानी कि वित्त मंत्री जो कि वो युवक था, वो दिए की रोशनी में कुछ कागज देख रहा था। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। यानी वो रात के 2 बजे तक वो वित्त मंत्री यानी वो युवक
हिसाब किताब लगा रहा था, अपना काम कर रहा था, वित्त मंत्री का जो काम था वही कर रहा था, कि एक पैसे की कहीं हिसाब में गड़बड़ आ रही थी, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये एक पैसे की गड़बड़ हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर कहाँ भूल हो रही है। बादशाह ने अपनी जेब से एक पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ, यानी कि आराम से कहा, के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। क्या कहा उसने कि एक पैसे की जो गड़बड़ आ रही है, बात एक पैसे की नहीं है, पर बात यह है कि ये ऐसा हुआ क्यों, किसी ना किसी ने कहीं बेईमानी की है या चालाकी की है या एक पैसे की हेरा फेरी की है, तो उसका पता चलना ज़रूरी है। यदि आज हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो जिसने बेईमानी की है उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और ऐसे करते करते अभी तो एक पैसे की बेईमानी हुई है, आगे चलकर ये बड़ी बेईमानी भी कर सकता है। तो उसकी बातें सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है। तो उस वो युवक जिसको कभी नौकरी छोड़कर उस दरबार में चपरासी का काम मिला था, वो आज करते करते बादशाह का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के कारण। तो बच्चों, देखा आपने, वो युवक किसी भी परिस्थिति में परेशान या निराश नहीं हुआ। उसने हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में लिया और उन परिस्थितियों को अपनी मेहनत और लगन से सुधारने का प्रयत्न भी किया और वो उसमें सफल भी हुआ। और वो ये सब क्यों कर पाया? क्योंकि उसने हर काम मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया, कभी हिम्मत नहीं हारी। तो बच्चों, इसी तरह से हमने भी अपने हर छोटे बड़े कामों को बड़ी मेहनत और लगन से करना है और हर काम से कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो अब चलते हैं अगला पाठ पढ़ने के लिए, फिर मिलेंगे।